एवरी वन गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू वेलकम बैक ऑन चैनल लर्न फिजिक्स सो आज हम बात करेंगे क्लास नाइन्थ के चैप्टर नंबर फर्स्ट मोशन के बारे में इससे पहले वाली वीडियो में हमने स्पीड एंड वेलोसिटी तक डिस्कस कर लिया था अब इस वीडियो में जो हमारा सबसे फर्स्ट पॉइंट है वो है एक्सेलरेशन क्या है एक्सेलरेशन सो एक्सेलेशन क्या होता है एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन ठीक है मीन्स जो वेलोसिटी है उसके अंदर टाइम के रेस्पेक्ट में जो चेंज हो रहा है वही क्या कहलाता है एक्सेलरेशन कहलाता है ठीक है एक्सेलरेशन होता है एक्सेलरेशन इज़ इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम ठीक है इसके बाद है नेक्स्ट यदि हम एक्सेलेशन की एसआई SI यूनिट की बात करें तो एक्सेलेशन की एसआई SI यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर ठीक है उसके बाद यदि हम इसको सीजीएस यूनिट में लिखें तो क्या होगी सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर और किलोमीटर पर आवर स्क्वायर होगी ठीक है एक्सेलरेशन को हम किससे डिनोट करते हैं ए से डिनोट करते हैं ठीक है उसके बाद जो एक्सेलरेशन है वो कैसी क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी है इससे पहले वाली वीडियो में हमने फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में बात की थी जो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं वो टू टाइप्स की होती है स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी फ़िज़िकल क्वांटिटी क्या होती है वो क्वांटिटीज़ जिनको हम मेज़र कर सकते हैं जिनमें से स्केलर क्वांटिटी होती है दो ऑल दोज क्वांटिटी विच हैव डिस्क्राइब बाई मैग्नीट्यूड अलोन वो जिनको कि मैग्नीट्यूड से डिस्क्राइब करते हैं और वैक्टर कोंटिटी को मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन से सो so, एक्सलेशन कैसी क्वान्टिटी है वेक्टर क्वांटिटी है अब हम जो एक्सेलरेशन है उसका क्या करेंगे एक्सप्रेशन करेंगे सो एक्सप्रेशन फोर एक्सप्रेशन फोर एक्सेलरेशन, ठीक है इसके अंदर क्या है मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी है यू टाइम टी इक्वल्स टू जीरो पे लेट एन ऑब्जेक्ट लेट द, दैट द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एट टाइम टी इक्वल्स टू जीरो पे क्या है यू है अब यू क्या है इनिशियल वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी है ठीक है नेक्स्ट मान लेते हैं द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट टाइम t इक्वल्स टू टी टाइम t पे इसकी वेलोसिटी कितनी है v है जो कि क्या है हमारी फाइनल वेलोसिटी है फाइनल वेलोसिटी है ठीक है अब हम ये जो वेलोसिटी है इसमें क्या देखें चेंज देखें सो चेंज इन वेलोसिटी वेलोसिटी में चेंज क्या होगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी मीन्स v माइनस यू और हम टाइम में चेंज देखें चेंज इन टाइम चेंज इन टाइम सो टाइम में क्या चेंज होगा फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम मीन्स टी माइनस जीरो इक्वल्स टू क्या आएगा टी इनिशियल टाइम क्या है जीरो है? है और फाइनल टी है अब यहां से हमने देखा था एक्सेलरेशन क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है ठीक है सो so, अब यहाँ पे हम लिखें चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन मीन्स कि कितना टाइम है सो फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या थी वी थी और इनिशियल वेलोसिटी क्या थी यू और अपॉन में टाइम कितना था टी सो एक्सेलरेशन क्या आ गया वी माइनस यू अपॉन टी ठीक है यदि कोई ऑब्जेक्ट है वो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है किससे मूव कर रहा है कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से तो उसके अंदर एक मतलब एक ही डायरेक्शन में वो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं हो रही है तो जो फाइनल वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी के क्या हो जाएगी इक्वल हो जाएगी अब v बराबर क्या हो गया u तो एक्सेलरेशन क्या होगा वी माइनस यू सॉरी वी माइनस वी अपॉन टी तो यहां से एक्सेलरेशन क्या जाएगा? आ जाएगा जीरो आ जाएगा मीन्स यदि कोई ऑब्जेक्ट कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो उसका एक्सेलरेशन क्या जाता है जीरो आ जाता है दस एन ऑब्जेक्ट कैन हैव एन ऑब्जेक्ट कैन हैव जीरो एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन बट नॉन ज़ीरो वेलोसिटी नॉन ज़ीरो वेलोसिटी मीन्स कोई ऑब्जेक्ट है उसका एक्सेलरेशन तो ज़ीरो हो सकता है लेकिन उसकी वेलोसिटी ज़ीरो नहीं हो सकती ठीक है इसके बाद है पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या है पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन सो पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है और नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है तो सबसे पहले हम बात करेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन की पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है इफ़ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस विद टाइम in the direction of motion in the direction of motion of the object of the object then the acceleration then the acceleration of the body is known as is known as positive acceleration means यदि कोई ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी में टाइम के साथ क्या हो रहा है इंक्रीज़ हो रही है उसकी वेलोसीटी. कि कौन सी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट की मोशन की डायरेक्शन में यदि कोई ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टाइम के साथ में इंक्रीज हो रही है तो उसको हम क्या कहेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहेंगे ठीक है जैसे कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट है वो किस में है रेस्ट में है और फिर उसकी इनिशियल वेलोसिटी है यू ठीक है अब वो क्या कर रहा है मूव कर रहा है और धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी क्या होती जा रही है इंक्रीज होती जा रही है मीन्स वो पहले रेस्ट में है धीरे धीरे वो चल रहा है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है तो इसमें क्या हो रहा है पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो रहा है ठीक है नेक्स्ट है नेगेटिव एक्सेलरेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है इफ द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इफ द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डिक्रीज डिक्रीजेस विद टाइम देन द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी देन द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज known एज नेगेटिव acceleration इज known एज नेगेटिव acceleration या फिर हम बोल सकते हैं इसको retardation क्या बोल सकते हैं रिटार बोल सकते हैं ठीक है मीन्स यदि कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ क्या कर रहा है मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी में टाइम के साथ क्या हो रही है उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो उसको हम क्या कहेंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन कहेंगे या फिर क्या कहेंगे रिटार्डेशन कहेंगे जैसे कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट है वो किस में है मोशन में है और उसके बाद वो अचानक से क्या करता है रुक जाता है पहले वो मूव कर रहा है और फिर वो फिर वो क्या हो गया रुक गया तो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई डिक्रीज हो गई तो उसका एक्सेलरेशन क्या हो गया नेगेटिव एक्सेलरेशन हो, तो हो गया मीन्स रिटार्डेशन हो गया यदि हम एक्सलेशन को तो हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं ए से रिप्रेजेंट करते हैं और हम रिटार्डेशन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे माइनस ए से रिप्रेजेंट करेंगे ठीक है उसके आगे जो ये माइनस है ये रिप्रेजेंट करता है कि उसकी जो स्पीड है वो क्या हो रही है कम हो रही है वेलोसिटी क्या हो रही है उसकी कम हो रही है ठीक है नेक्स्ट है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अब यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है यूनिफॉर्म क्या होता है यूनिफॉर्म होता है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और नॉन यूनिफॉर्म होता है इक्वल अनईक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम सो यूनिफॉर्म में हम क्या लिखेंगे इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ द वैलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस changes by n equal amount in equal interval of time in equal interval of time in equal intervals of time then the acceleration of the object then the acceleration of the object is known as uniform acceleration is known as यूनिफॉर्म एक्सेलेशन इट मीन्स यदि कोई ऑब्जेक्ट है उसकी वैलोसिटी में चेंज हो रहा है इक्वल अमाउंट जो वैलोसिटी है वो इक्वल अमाउंट में चेंज हो रही है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में जो टाइम का इंटरवल है वो क्या है इक्वल है जैसे कि मान लो एक सेकेंड में कितनी चेंज uh, हो रही है एक मीटर पर सेकेंड चेंज हो रही है फिर नेक्स्ट वन सेकेंड में कितनी चेंज हो रही है वन मीटर पर सेकेंड चेंज हो रही है ठीक है सो इक्वल अमाउंट में इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो वेलोसिटी चेंज हो रही है ऑब्जेक्ट की वो क्या कहलाएगी यूनिफॉर्म एक्सेलेशन कहलाएगी ठीक है नेक्स्ट है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेशन नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेशन में होता है अन एकवल अमाउंट और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो इसमें क्या लिखेंगे इफ द वैलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट Changes by an unequal amount, unequal amount in equal interval of time, interval of time, then the acceleration, then the acceleration of the object. इज़ नॉन एज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेशन क्या कहलाएगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेशन मीन्स यदि कोई ऑब्जेक्ट है उसकी वैलोसिटी में चेंज हो रहा है कि वैलोसिटी तो क्या है अनईक्वल है और जो टाइम है वो क्या है इक्वल है तो जो ऑब्जेक्ट का एक्सेलेशन होगा वो कौन सा होगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेशन होगा ठीक है अब हम इनके ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिक एक्सेलेशन पर बेस्ड हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं सो हमें क्वेश्चन है गिवन है ए बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड अटेन्स ए स्पीड ऑफ थर्टी सिक्स किलोमीटर पर आवर इन टेन मिनट्स वाइल मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बस मींस एक बस है जो कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मीन्स क्या है इक्वल इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम मीन्स इक्वल अमाउंट है टाइम भी क्या है इक्वल है तो एक बस है वो स्टार्ट होती है कहाँ से रेस्ट से रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है जीरो है एंड अटेन से स्पीड ऑफ थर्टी सिक्स किलोमीटर पर आवर और कितनी स्पीड अटेन करती है वो थर्टी सिक्स किलोमीटर पर आवर तो वेलोसिटी कितनी हो गई थर्टी सिक्स किलोमीटर पर आवर हो गई इन टेन मिनट्स तो टाइम क्या हो गया टेन मिनट्स हो गया ठीक है कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ बस हमें क्या कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है अब हमें जो गिवन है वो हमने क्या कर लिया है राइट डाउन कर लिया है अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं सो so, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन में t मीन्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन ये क्या होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है अब इसमें जो वेलोसिटी है वो क्या होती है मीटर पर सेकंड इनवर्स होनी चाहिए मीटर पर सेकंड होना चाहिए और जो टाइम है वो किस में होना चाहिए सेकंड में होना चाहिए लेकिन यहाँ पे तो हमें जो वेलोसिटी है वो किस में दी हुई है किलोमीटर पर आवर में दी हुई है और टाइम किस में दिया हुआ है सेकंड में दिया हुआ है ठीक है टाइम किस में दिया हुआ है मिनट में दिया है होना किस में चाहिए सेकंड में होना चाहिए सो हम इनको सबसे पहले क्या करेंगे चेंज करेंगे सो वेलोसिटी को यदि हम चेंज करें तो थर्टी सिक्स को कि 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो इसको हम 5 अपॉन एटीन से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे अब 5 अपॉन एटीन से मल्टीप्लाई क्यों किया देखो इधर देखो जैसे कि मान लो हमें यदि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में क्या करना है चेंज करना है सो so, एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं थाउजेंड मीटर होते हैं ठीक है एक आवर में कितनी सेकंड्स होती हैं थर्टी सिक्स हंड्रेड सेकेंड्स होती हैं ये तो आप सबको अच्छे से पता होगा कि एक किलोमीटर में थाउजेंड मीटर होते हैं और वन आवर में थर्टी सिक्स हंड्रेड सेकेंड्स होती हैं ठीक है उसके बाद अब हम इसको सोल्व करें तो दो ज़ीरो से दो ज़ीरो कट गई और ये क्या आ गया फ़ाइव अपॉन एटीन आ गया सो किलोमीटर पर आवर को जब हम मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा फाइव अपॉन एटीन आएगा ठीक है यदि हम इसका अपोजिट करें मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में करना हो तो हम क्या करेंगे 18 अपॉन फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे सो so, इस कैलकुलेशन को शॉर्ट करने के लिए हम डायरेक्टली 5 अपॉन एटीन से क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं अब हम इसको सॉल्व करें तो 18 टू 36 थर्टी और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 10 मीटर पर सेकेंड ठीक है वेलोसिटी आ गई अब हम टाइम को चेंज करते हैं टाइम को चेंज करें तो टाइम हमें किस में दिया हुआ है मिनट्स में और एक मिनट में कितनी सेकेंड होती है सिक्सटी सेकेंड होती है तो टेन मिनट्स में कितनी सेकेंड्स होंगी इसको सिक्सटी से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा सिक्स हंड्रेड सेकेंड्स आ गया अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ गई अब हम इनको फार्मूले में पुट करते हैं तो फार्मूले में पुट करें तो क्या आएगा फाइनल वेलोसिटी कितनी है टेन माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या है ज़ीरो अपॉन टाइम कितना है सिक्स हंड्रेड ठीक है अब हम इसको सॉल्व करें तो टेन अपॉन में सिक्स हंड्रेड इसको जीरो से ज़ीरो कट हो गई तो एक्सेलरेशन क्या आ गया वन अपॉन सिक्सटी आ गया ठीक है सो बस का एक्सेलरेशन क्या आया वन अपॉन सिक्सटी मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्योंकि एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट क्या है मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप कोई भी न्यूमेरिकल करते हैं तो उसके अंदर जो यूनिट है वो लगाना ना भूले ठीक है अब नेक्स्ट है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन क्या है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन ग्राफ जो है वो एक बेस्ट तरीका है जिससे कि हम किसी भी बॉडी या फिर किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को क्या कर सकते हैं रिप्रेजेंट कर सकते हैं अच्छे से हम किसी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और वेलोसिटी को भी ग्राफ के द्वारा क्या कर सकते हैं रिप्रेजेंट कर सकते हैं हमारे पास यहाँ पे जो ग्राफ के टाइप्स हैं वो हैं टू टाइप्स के ग्राफ्स हैं के बारे में हम डिस्कस करेंगे जिनमें से फर्स्ट है डिस्टेंस टाइम ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ और दूस सेकेंड है वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो इन दो ग्राफ के बारे में हम क्या करेंगे यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ की डिस्टेंस टाइम ग्राफ सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज डिस्टेंस Time graph shows how the distance of a body, how the distance of a body from a fixed point changes with time, changes with. टाइम मीन्स कोई ऑब्जेक्ट है उसके जो डिस्टेंस है एक फिक्स्ड पॉइंट से किस तरीके से चेंज होती है वो क्या उस वो हमें किस में शो होगी डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम शो करेंगे जब हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ शो करेंगे तो हम डिस्टेंस को हमेशा किस पे प्लॉट करेंगे वाई एक्सिस पे प्लॉट करेंगे डिस्टेंस को किस पे प्लॉट करेंगे वाई एक्सिस पे और जो टाइम है उसको प्लॉट करेंगे हम एक्स एक्सिस पे ठीक है सो so, अब हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो फर्स्ट है उसको पढ़ते हैं तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो फर्स्ट है वो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ फोर डिस्टेंस टाइम ग्राफ फोर ग्राफ फोर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इसमें क्या होता है द डिस्टेंस ऑफ ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए फिक्सड पॉइंट डज नॉट चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम मीन्स जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है वो फिक्स पॉइंट से उसकी जो पोजिशन होती है वो चेंज नहीं होती है ठीक है द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट द डिस्टेंस ऑफ ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट स्टेशनरी ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट फिक्सड पॉइंट डेंज विदेज विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होती एक फिक्सड पॉइंट पर रहती है जैसे कि अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो देखो हमने ये क्या है हमारा ओरिजिन है ये हमने ले ली एक्स एक्सिस और ये ले ली वाई एक्सिस ठीक है अब मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से हम इंटरवल्स में डिवाइड कर देते हैं ठीक है वन टू थ्री एंड फोर ठीक है यहाँ पे हमने जो एक्स एक्सिस है उस पर क्या लिया है टाइम लिया है किस में है टाइम इन सेकेंड सेकेंड्स में है वाई एक्सिस पे हमने क्या ली है डिस्टेंस ली है किस में ली है मीटर में इन मीटर ठीक है अब यहाँ पे टाइम को भी क्या कर देते हैं इंटरवल्स में डिवाइड कर देते हैं वन सेकेंड टू सेकेंड थ्री सेकेंड फोर सेकेंड एंड फाइव सेकेंड अब जब टाइम टी इक्वल्स टू जीरो है जीरो सेकेंड है तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है फोर मीटर की डिस्टेंस पे है ठीक है यहाँ पे क्या है ऑब्जेक्ट है उसके बाद जब टाइम t इज इक्ल्स टू वन सेकेंड हो गया तो भी ऑब्जेक्ट कहाँ है फोर मीटर की ही डिस्टेंस पे है उसके बाद जब टाइम इज इक्वल्स टू टू सेकेंड है तब भी ऑब्जेक्ट फोर मीटर पे ही है थ्री सेकेंड पे भी फोर पे है फोर सेकेंड में भी फोर पे है तो ऑब्जेक्ट क्या है स्टेशनरी है मीन्स एक स्ट्रेट लाइन में है मतलब अपनी जो पोजीशन है उसको चेंज नहीं कर रहा है एक फिक्स्ड पॉइंट पे है लेकिन जो टाइम है वो क्या हो रहा है चेंज हो रहा है तो टाइम चेंज होने के साथ यदि ऑब्जेक्ट फिक्स्ड पॉइंट पे है तो उसको हम क्या बोलेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ठीक है उसके बाद जो ये ऑब्जेक्ट की जो स्टेशनरी लाइन है ये जो फिक्स्ड लाइन बन रही है ये किसके पैरेलल है टाइम एक्सिस के क्या है पैरेलल है ठीक है उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा Distance time graph, distance time graph for uniform motion, uniform. मोशन मीन्स हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है किसके लिए यूनिफॉर्म मोशन के लिए ठीक है सो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ठीक है अब इसमें क्या होना चाहिए इक्वल डिस्टेंस होनी चाहिए और टाइम इंटरवल भी क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए ठीक है डिस्टेंस भी इक्वल और टाइम भी क्या इक्वल सो so अब जो इसमें यूनिफॉर्म मोशन के लिए लिखेंगे डेफिनेशन लिखते हैं हम तो इफ़ ए बॉडी कवर्स या फिर हम बोल सकते हैं फिर बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम दैन द मोशन देन द मोशन ऑफ द बॉडी इज़ नॉन एज यूनिफॉर्म मोशन इज़ नोन एज यूनिफॉर्म मोशन सो यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा यदि कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो हम उसको क्या बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे ठीक है अब हम यहाँ पर इसका ग्राफ ड्रॉ करें सो so, हमने दो एक्सिस ली ये वाई एक्सिस ली ये ओरिजिन और ये एक्स एक्सिस ली ठीक है एक्स एक्सिस को हमने रिप्रेजेंट किया था टाइम से किस में इन सेकेंड टाइम हम किस में लेंगे सेकेंड में लेंगे और वाई एक्सिस पे हम लेंगे डिस्टेंस किस में इन मीटर में डिस्टेंस किस में लेंगे मीटर में अब हम यहाँ पे इक्वल डिस मतलब कि इसमें जो है इंटरवल्स में डिवाइड कर देते हैं इक्वल इंटरवल्स में हमने क्या कर दिया है डिवाइड कर दिया है तो ये वन सेकेंड टू सेकेंड थ्री सेकेंड फोर फाइव एंड सिक्स ठीक है अब यहाँ पे हम करते हैं टू फोर सिक्स एट एंड टेन ठीक है अब जैसे टाइम टी इक्वल्स टू ज़ीरो पर जो डिस्टेंस है वो क्या है जीरो है अब मतलब कि यहाँ पे तो क्या है ऑब्जेक्ट क्या है रेस्ट में ही है अब ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट हुआ तो वो कितनी मीटर चला टू मीटर चला मीन्स डिस्टेंस कितनी हो गई टू मीटर टू मीटर कितनी सेकंड में चला टाइम यदि हम लें वन सेकंड सो ये कहाँ होगा ये इसका जो ओरिजिन पॉइंट होगा वो कहाँ होगा यहाँ होगा ठीक है नेक्स्ट हम लें डिस्टेंस डिस्टेंस लें तो फोर माइनस टू कितना हुआ टू मीटर हुआ और टाइम यदि हम लें तो टू माइनस वन वन सेकेंड आई तो से इक्वल डिस्टेंस चल रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम मींस वन सेकेंड वन सेकेंड वन सेकेंड इधर भी टू मीटर टू मीटर टू मीटर टू मीटर इधर डिस्टेंस में टू मीटर का गैप है और टाइम में कितनी सेकेंड्स का गैप है वन सेकेंड का गैप है तो ये नेक्स्ट टू मीटर चलेगा नेक्स्ट वन सेकेंड में तो ये यहाँ पे होगा इसकी पोजिशन यहाँ होगी ठीक है इस तरीके से ये अपना पाथ क्या करेगा कवर करेगा तो ये जो ग्राफ है ये किस तरीके से आएगा एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा ठीक है स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में ठीक है जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है उससे हम जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड भी क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट की स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि स्पीड क्या होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन होता है ठीक है इसके बाद इसमें जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है थर्ड पॉइंट डिस्टेंस ग्राफ डिस्टेंस ग्राफ को मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ डी टी ग्राफ डी टी ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन अब यूनिफॉर्म मोशन में तो क्या था कि इक्वल डिस्टेंस थी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है इफ ए बॉडी ट्रैवल इफ ए बॉडी ट्रैवल वस अनक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम मीन्स कोई ऑब्जेक्ट है या फिर कोई बॉडी है वो अनईक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम टाइम्स उसके अंदर जो डिस्टेंस है वो तो अलग अलग है डिफरेंट डिस्टेंस है और जो टाइम इंटरवल है वो क्या है सेम है अब जो अपना डी टी ग्राफ है नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए उसके अंदर हम दो पार्ट पढ़ेंगे जिसमें से जो फर्स्ट पार्ट है वो ये है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी जो स्पीड है उसमें इंक्रीज करता है विद द पैसेज ऑफ टाइम मीन्स जैसे 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 समय बीतता है वैसे वैसे उसकी स्पीड में क्या होता है इंक्रीज होता है और जो इसमें नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट पढ़ेंगे वो है कि कोई ऑब्जेक्ट जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे उसकी स्पीड में क्या होती जाती है डिक्रीजमेंट होती जाती है तो ये जो दो पार्ट हैं ये किसके हैं डी टी ग्राफ और नॉन यूनिफॉर्म मोशन मीन्स डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के दो पार्ट्स हैं अब इसमें से हम फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करें तो फर्स्ट पार्ट में क्या है व्हेन द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट When the speed of the object increases with the passage of time, with the passage of time. मीन्स जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा उसकी ऑब्जेक्ट की स्पीड में क्या होगा इंक्रीजमेंट होगा जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा उसकी स्पीड क्या होगी इंक्रीज़ होती जाएगी बढ़ती जाएगी जैसे कि हम इसमें एक एग्जाम्पल देखें जब ट्रेन है मान लो कोई ट्रेन है ट्रेन है वो अपना प्लेटफॉर्म छोड़ के चलने के लिए क्या होती है इस्टार्ट होती है वो चलने के लिए तैयार हो गई तो उसकी जो स्पीड है वो धीरे धीरे क्या होएगी इंक्रीज़ होएगी पहले ट्रेन किस में थी रेस्ट में थी ठीक है अब वो स्टार्ट होना मतलब कि चलना क्या हो गई स्टार्ट हो गई जैसे जैसे वो बढ़ेगी वैसे वैसे उसकी स्पीड क्या होती जाएगी इंक्रीज होती जाएगी तो इसमें जो ग्राफ ड्रो होगा वो ग्राफ इस तरीके का होगा जैसे ये हमारी एक्स एक्सिस है ये है वाई एक्सिस वाई एक्सिस पे हम क्या लेते हैं डिस्टेंस लेते हैं किसमें इन मीटर में मीटर में डिस्टेंस को न, न, रिप्रेजेंट करते हैं ये ओरिजिन है और टाइम को हम लेते हैं एक्स एक्सिस पे इन सेकंड में ठीक है यहाँ पे क्या है टाइम इंटरवल है नॉन यूनिफॉर्म में ध्यान रहे टाइम इंटरवल क्या होता है इक्वल होता है लेकिन डिस्टेंस क्या होती है अन डिस्टेंस होती है ठीक है तो इसका जो ग्राफ बनेगा मान लो ट्रेन स्टार्टिंग में क्या है टाइम टी इज इक्वल टू ज़ीरो पर क्या है रेस्ट में है जैसे जैसे वो अपनी स्पीड बढ़ाएगी वैसे वैसे जैसे जैसे वो बढ़ेगी वैसे वैसे उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी जैसे जैसे टाइम निकलेगा वन सेकंड पे इतनी बढ़ी फिर टू सेकंड पे फिर थ्री सेकंड पे फिर फोर सेकंड पे क्या होती जा रही है ये इंक्रीज होती जा रही है ठीक है तो इसका ग्राफ इस तरीके से बनेगा अब इसमें जो सेकंड पॉइंट है वो है व्हेन द स्पीड ऑफ द बॉडी व्हेन द स्पीड ऑफ द बॉडी डिक्रीजेस विद पैसेज ऑफ टाइम विद पैसेज ऑफ टाइम इसमें क्या है जो आ, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो उसमें जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे उसकी जो स्पीड है वो क्या होती जाएगी कम होती जाएगी अब हम इसका एग्जाम्पल देखें जैसे कि कोई ट्रेन है मान लो कि वो चल रही है मोशन में है मूव कर रही है और जैसे ही वो प्लेटफॉर्म पर पहुंचेगी तो वो क्या होगी धीरे 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 स्लो होएगी वहाँ रुकने के लिए जैसे ही वो धीरे धीरे स्लो होएगी टाइम क्या होगा पास होता जाएगा और उसकी स्पीड क्या होती जाएगी डिक्रीज होती जाएगी ठीक है अब इसके अंदर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो देखो ये वही सेम एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया है डिस्टेंस ली है किसमें इन मीटर एंड टाइम लिया है हमने एक्स एक्सिस पे इन सेकेंड नॉन नॉन यूनिफॉर्म में क्या था टाइम इंटरवल क्या था सेम था लेकिन डिस्टेंस क्या थी डिफरेंट थी ठीक है डिस्टेंस हमने अलग अलग ले ली ये वन सेकेंड टू सेकेंड थ्री सेकेंड फोर सेकेंड अब जो ट्रेन है वो किस में है मोशन में है तो ये मूव तो कर रही है रेस्ट में नहीं है मूव कर रही है तो लेकिन जैसे जैसे प्लेटफॉर्म पे पहुँचेगी इसकी जो स्पीड है वो क्या होती जाएगी कम होती जाएगी धीरे 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 ठीक है यहाँ पे स्पीड बढ़ रही है फिर यहाँ वन सेकंड पे थोड़ी और कम हुई फिर टू सेकंड पे फिर कम हुई और ये जैसे जैसे रुकती जाएगी वैसे वैसे इसकी स्पीड क्या होती जाएगी कम होती जाएगी ठीक है सो so, अब इससे जो जो हमारा फर्स्ट पार्ट है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है अब इससे जो सेकंड पार्ट था हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ टाइम ग्राफ सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है हमें क्या शो करता है कि किस तरीके से टाइम के पास होने से टाइम के चेंज होने से जो वेलोसिटी है कोई भी ऑब्जेक्ट की वो किस तरीके से चेंज होती है वो हमें क्या बताएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें शो करेगा ठीक है अब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो वेलोसिटी है उसको हम किस पर रिप्रे प्लॉट करेंगे वाई एक्सिस पे प्लॉट करेंगे वेलोसिटी को और जो टाइम है उसको हम किस पे प्लॉट करेंगे एक्स एक्सिस पे प्लॉट करेंगे, करेंगे? करेंगे ठीक है अब वेलोसिटी ग्राफ में जो सबसे फर्स्ट है वो है वेलोसिटी ग्राफ वेलोसिटी ग्राफ को मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ वीटी ग्राफ वी ग्राफ फोर ए बॉडी फोर ए बॉडी मूविंग विथ कॉन्स्टेंट वैलोसिटी मूविंग विथ कॉन्स्टेंट वैलोसिटी कॉन्स्टेंट वेलोसिटी मीन्स जो कोई ऑब्जेक्ट है कोई बॉडी है वो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो अब देखो इसके अंदर हम यदि ग्राफ बनाए ग्राफ से हम इसको रिप्रेजेंट करें तो हमने ये क्या ले लिया वाई एक्सिस ये एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस पे हमें क्या रिप्रेजेंट करना है टाइम को रिप्रेजेंट प्लॉट करना है इन सेकेंड और ये है ओरिजिन वाई एक्सिस पे हमें क्या प्लॉट करना है वेलोसिटी को करना है सो so, वेलोसिटी किस में वेलोसिटी किस में लेंगे इन मीटर पर सेकंड इनवर्स में लेंगे ठीक है अब कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है अब जैसे कि मान लो ये टाइम इंटरवल है वन सेकंड टू सेकंड थ्री सेकंड फोर सेकंड और ये क्या है वेलोसिटी वन मीटर पर सेकेंड वन टू थ्री फोर ठीक है ये इस तरीके से हमने क्या कर दिया इनको अलग अलग इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया अब मान लो कोई ऑब्जेक्ट है टाइम टी इज इक्वल्स टू जीरो पर उसकी वेलोसिटी है यहां पर मीन वन टू थ्री एंड फोर फोर मीटर पर सेकेंड उसकी क्या है वेलोसिटी है यदि हम उसको टाइम वन टीज इक्वल टू वन सेकेंड पे देखें तो भी उसकी क्या है फोर ही है टू पे देखें तो भी फोर है थ्री पे देखें तो भी फोर है तो ये ऑब्जेक्ट क्या है कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से क्या कर रहा है मूव कर रहा है ठीक है अब ये जो कॉन्सटेंट वेलोसिटी की जो स्ट्रेट लाइन है ये किसके पैरल है टाइम एक्सिस के पैरल है ठीक है जो आ, एरिया होता है वेलोसिटी वी ग्राफ के अंडर जो एरिया होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी ठीक है इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इसमें नेक्स्ट है वेलोसिटी वेलोसिटी टाइम ग्राफ वेलोसिटी टाइम Graph for uniform motion for uniform motion motion when initially the body is at rest. When initially the body is at rest. वी टी ग्राफ है यूनिफॉर्म मोशन में है यूनिफॉर्म मोशन में है मीन्स इक्वल डिस्टेंस है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है मीन्स इक्वल वेलोसिटी है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जि, जिसमें कि जो बॉडी है वो इनिशियली कहाँ है रेस्ट पे है तो अब हम इसका यदि ग्राफ ड्रॉ करें तो देखो ये है क्या है एक्स एक्सिस ये है वाई एक्सिस यहाँ पे क्या है वेलोसिटी वो ही सेम चीज़ वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड इनवर्स ठीक है टाइम इन सेकेंड ठीक है ये है ओरिजिन यहाँ पे हमने क्या कर दिया टाइम इंटरवल डिवाइड कर दिया यहाँ पे भी हमने क्या कर दी वेलोसिटी डिवाइड कर दी अब इसमें क्या है स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट किस में है रेस्ट में टी इक्वल्स टू जीरो सेकेंड पे जो ऑब्जेक्ट है रेस्ट में है लेकिन जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी भी क्या हो रही है इक्वल चेंज हो रही है जैसे कि मान लो वन सेकेंड पे वेलोसिटी चेंज हो रही है टू मीटर पर सेकेंड टाइम टू सेकेंड पे चेंज हो रही है फोर्स मीटर पर सेकेंड ठीक है सो जो इक्वल डिस्टेंस किस इक्वल वेलोसिटी चेंज हो रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में सो इसका इसका जो ग्राफ आएगा वो किस तरीके से आएगा स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा ठीक है नेक्स्ट है थर्ड वेलोसिटी वेलोसिटी टाइम ग्राफ फोर यूनिफॉर्म मोशन फोर यूनिफॉर्म मोशन when when initially body is not at rest नॉट एट रेस्ट मीन्स इससे जो पहले वाला पॉइंट था उसमें क्या था यूनिफॉर्म मोशन है लेकिन उसमें इनिशियली जो बॉडी थी वो किस में थी रेस्ट में थी ठीक है इसके अंदर जो इनिशियली बॉडी क्या है रेस्ट में नहीं है मीन्स मूव कर रही है सो so, अब हम इसका यदि ग्राफ ड्रॉ करें तो देखो ये क्या है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वेलो सिटी इन मीटर पर सेकेंड इन इन मीटर पर सेकेंड ठीक है यहाँ पे हमने ले लिया टाइम इन सेकेंड ये क्या है ओरिजिन है लेकिन इसमें ये बोला गया है कि जो इनिशियली बॉडी है वो रेस्ट में नहीं है मतलब कि मूव कर रही है स्टार्टिंग से ही क्या कर रही है वो मोशन में है तो हम यहाँ पे टाइम के इंटरवल्स डिवाइड कर देते हैं फोर सेकेंड यहाँ पे टू फोर सिक्स एट ठीक है तो इनिशियली बॉडी मोशन में है मीन्स यहाँ पे मूव कर रही है ठीक है यहाँ पे क्या है वो मोशन में है लेकिन यहाँ पे आने के बाद वो क्या चलती है इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इसमें मूव करती है तो ये क्या होगा इसका ग्राफ हो गया ठीक है यहाँ से यहाँ तक मीन्स टू मीटर पर सेकेंड वो क्या है मोशन में है उसके बाद क्या जाती है वो रेस्ट में आ जाती है ठीक है नेक्स्ट इसमें है फोर्थ वेलोसिटी टाइम ग्राफ वैन The velocity of the object when the velocity of the object decreases uniformly to zero. ठीक है मीन्स कोई ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रही है ज़ीरो तक तो अब हम इसका ग्राफ से रिप्रेजेंट करें देखो ये एक्स एक्सिस है हमारी ये वाई एक्सिस है ये ओरिजिन है इसके बाद हमने यहाँ पे क्या ले लिया है टाइम यहाँ पे क्या ले लिया वेलोसिटी अब ये टाइम इंटरवल्स हमने क्या कर दिए डिवाइड कर दिए यहाँ से हम वेलोसिटी को भी डिवाइड कर दें अब इसमें क्या है वेलोसिटी ऑब्जेक्ट क्या है पहले से वेलोसिटी मोशन में है कोई ऑब्जेक्ट लेकिन अचानक से क्या है उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है ठीक है टाइम बिल्कुल जीरो पे आ रही तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा वीटी ग्राफ वैन द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्रीज यूनिफॉर्मली टू जीरो एकदम से क्या हो गई जीरो पे आ गई ठीक है नेक्स्ट है पॉइंट नंबर फाइव वेलोसिटी टाइम ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी नॉन फॉर्म वेलो सिटी ऑफ एंड ऑब्जेक्ट ऑफ एंड ऑब्जेक्ट अब यहाँ पर एक वर्ड आया नॉन यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है अन एकवल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम डिस्टेंस क्या होगी अन एकक्वल होगी क्या होगी अन एकवल होगी लेकिन टाइम क्या होगा इक्वल होगा और वहीं यूनिफॉर्म में क्या हो रहा था दोनों क्या थे इक्वल थे अब अन डिस्टेंस है टाइम इंटरवल इक्वल है तो इसका ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट करेंगे देखो ये है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वेलोसिटी इधर ये है हमने टाइम ले लिया ये क्या है ओरिजिन अब हम टाइम इंटरवल क्या है इक्वल है तो टाइम इंटरवल क्या है इक्वल बना दिया हमने वन सेकेंड टू सेकेंड थ्री सेकेंड फोर सेकेंड लेकिन जो डिस्टेंस है वो क्या है अन है तो मान लो जैसे अन डिस्टेंस है तो वेलोसिटी क्या है अन है सो so, ये ऐसे कोई भी मतलब डिस्टेंस कवर कर सकता है लेकिन टाइम इंटरवल क्या होगा इक्वल अब जैसे देखो वन uh, सेकेंड में ये ऑब्जेक्ट यहाँ है ठीक है लेकिन अनदर वन सेकेंड में ये ऑब्जेक्ट यहाँ है फिर उससे जो नेक्स्ट वन सेकेंड है तो उसके अंदर ये ऑब्जेक्ट कहाँ है यहाँ पे है तो इसकी जो डिस्टेंस इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है रेगुलरली चेंज हो रही है लेकिन जो टाइम इंटरवल है वो क्या है सेम है ठीक है सो so, स्टूडेंट्स आपका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो यहाँ पर ख़त्म हो गया है इससे जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम जो काइनामेटिकल इक्वेशंस हैं उनको सोल्व करना सीखेंगे और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें शेयर करें एंड सब थैंक यू